आंध्र प्रदेश से सबरीमाला यात्रियों को ले जाने वाली बस हफ्ते के रोज जिले के लाहा के करीब हादसे का शिकार होकर उलट गई, जिसमें एक लड़का समेत 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जिले इंतजामिया के अहदेदारों ने बताया कि गाड़ी में सफर करने वाले तमाम 44 यात्रियों को बचा लिया गया है और उन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि 8 साल लड़का समेत 3 अफराद जिन्हें शदीद चोटें आई थी, कोट्टायम मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर 18 अफराद को यहाँ के जनरल अस्पताल में और माँ बाकी को करीबी पेरीनाडु के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल करवाया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की नई इमारत का संघीय बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में वुजरा सविता इंदिरा रेड्डी, तलासानी श्रीनिवास यादव, MLC एस वानी देवी और MLA उम्मीदवार सुभाष रेड्डी, चेयरमैन हायर एजुकेशन काउंसिल लिम्बादरी ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा तवज्जो देगी। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसने दुनिया भर के नौजवानों पर एक खास तासुर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बुनियादी फंड से देही इलाकों से यूनिवर्सिटी आने वाले तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलियात की फराहमी पर भरपूर तवज्जो देगी। ये तामीर 39,50,00,000 से की जा रही है ताकि 600 तलबा को हॉस्टल की रिहाइश फराहम की जा सके। उत्तर प्रदेश में जबरन तब्दीली मजहब के 291 केसेस दर्ज किए गए हैं और 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दस्तयाब एदाद व शुमार के मुताबिक जुमला 291 केसेस में 150 मुतासरीन ने अपने बयानात में अदालत को बताया है कि उनका मजहब जबरदस्ती तब्दील कराया गया है। CPI के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवराव ने अवामी मुंतखब हुकूमत के तरक्याती कामों में मुदाखलत करने वाले गवर्नर निज़ाम को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। गवर्नर निज़ाम के खिलाफ 7 दिसंबर को चलो राजभवन रैली मुनज़म करते हुए राजभवन का घेराव करने का ऐलान किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और BJP के कौमी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी BL संतोष ने टेलीफोन करके BJP के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद से बातचीत की। उनकी क्यामगाह पर TRS कारकुनों के हमले के बारे में बातचीत की। डी अरविंद ने बताया कि उन पर अभी तक कई मरतबा हमले किए गए हैं, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासती वजीर सर टी हरीश राव को राजभवन तलब किया है। टीचिंग हॉस्टल्स के प्रोफेसर के रिटायरमेंट की हद उम्र 62 साल को बढ़ाकर 65 साल करने के बिल पर गवर्नर को एतराज है। इस पर तबादले ख्याल करने के लिए वजीर सेहत को राजभवन तलब किया गया। मैसूर में टीपू सुल्तान का बुलंदतरीन मुजस्मा नसब करने का ऐलान करने वाले साबिक वजीर व कर्नाटक कांग्रेस के रुकने असेंबली तनवीर सेठ को जान से मार देने की धमकी दी गई है। तनवीर सेठ की शिकायत पर पुलिस ने रघु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिंदू तंजीमों के कारकुन ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी करते हुए बयान से दस बरदार न होने पर दफनाने के लिए जगह तैयार होने का तनवीर सेठ को इंतबाह दिया। कांग्रेस के साबिक वजीर व आंजाहनी वजीरे आला M चिन्ना रेड्डी के फर्जंद M शशिधर रेड्डी दिल्ली पहुंचकर मरकजी वजीरे दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इम्कान है कि वो बहुत जल्द BJP में शामिल हो जाएंगे। इस मुलाकात में तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय और BJP की कौमी नायब सदर DK अरुणा भी मौजूद थी। TRS के 4 अरकान असेंबली की खरीदी के मामले में तहकीकात के लिए तश्कील दी गई SIT ने BJP के कौमी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी BL संतोष को नोटिस जारी करते हुए हिदायत दी गई है कि वो 21 नवंबर को सुबह 10:30 बजे SIT दफ्तर से रुजू हो। हाजिर न होने की सूरत में गिरफ्तार करने का इंतबाह दिया गया। चिकोटी कैसीनो मामले में तहकीकात का सामना करने वाले TRS के रुकन कानूनसाज काउंसिल L रमना ED अहदेदारों के सामने बेहोश हो गए। ED अहदेदारों ने उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उनके सहतियाब हो जाने के बाद ED के अहदेदार दोबारा नोटिस जारी करने पर गौर कर रहे हैं। TRS के रुकन कानूनसाज काउंसिल के कविता ने BJP की जानिब से तेलंगाना में शिंडे मॉडल की तजवीज़ वसूल होने का सनसनीखेज इंकशाफ किया। वज़ीरे आला KCR के खिलाफ बगावत करने, कविता को वज़ीरे आला बनाने का BJP के दोस्तों और मुख्तलिफ इदारों से पेशकश कराई गई थी, जिसको उन्होंने ठुकराते हुए ऑपरेशन कमल को नाकाम बना दिया।
कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुस्लिम तहफ़ुज़ात में तख़फीफ़ करने की सख्त मजम्मत करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्लिम तहफ़ुज़ात को 4% से घटाकर 3% करने की वजाहत करने का वज़ीर-ए-आला KCR से मुतालबा किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को तालीम और मुलाजिमत में 4% तहफ़ुज़ात को जू का तू बरकरार रखने के अहकामात जारी किए थे। सदर नशीन रियासती अकलियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसहाक ने सेक्रेटरी टेम्बरीज बी शफीउल्लाह से मुलाकात करते हुए टेम्बरीज स्कूल के यूनिफॉर्म्स कॉरपोरेशन के तहत कायम करदा माइनॉरिटीज कम्युनिटी सेंटर एंड प्रोडक्शन सेंटर्स को सिलवाई के ऑर्डर देने की ख्वाहिश की, जिस पर हमदर्दाना गौर करने का टेम्बरीज सेक्रेटरी ने तयक्कुन दिया। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के कामगाह पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि बीजेपी की मकबूलियत से TRS खौफजदा है और वो तशद्दुद पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला के अरकान खानदान को बीजेपी में शामिल करने की हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे।